रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है? रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है? सर में तूफा हो तो दीवार में दर बनता है। अपनी मुसीबतें लेकर बर्फीली पहाड़ियों और पेचदार रास्तों से गुजरते हुए शिमला पहुंचने वाले लोग उस वक्त हैरान हो उठते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी सरकारी आवास में ही उनसे मिलने की व्यवस्था की है। मंडी के छोटे से गांव से लेकर हिमाचल विधानसभा तक के अपने सफर के दौरान जयराम ठाकुर से बेहतर और कौन यह समझ सकता है कि लोगों की पीड़ा क्या है और राजनीति कैसे उनके दुख दर्द से दूर होती जा रही है। पेंशन भी लगा दी है मोदी सरकार, जमीन भत्ता हमें मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो रह गए उनके लिए बोलते हैं, बोलो कि क्या कमी है, क्या चाहिए, क्या करना है। शिमला के वीआईपी भवनों में आने वाले लोग न केवल जयराम ठाकुर में अपनी भाई, पिता, मित्र का अक्स देखते हैं, बल्कि यह भी महसूस करते हैं कि राजसी ढंग और टोपियों के रंग में बटी हिमाचली सियासत का कलेवर ही बदल गया है। उन्हें साफ नजर आता है कि सादगी, सहनशीलता और ईमानदारी से रचा बुना उनका नेतृत्व संकल्प और विश्वास से पहाड़ की कठोर भूमि पर विकास की बाग उगा रहा है। चुनाव तो हमेशा होते हैं, लेकिन 80 के दशक में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी का छात्र संघ चुनाव कुछ खास ही था। वाक्पटुता से भरपूर और सादगी में रचे बसे जयराम ठाकुर के नेतृत्व में इस चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने चमत्कार कर दिया। इस चुनाव ने हिमाचल की राजनीति का नया भविष्य रूप दिया था। जयराम ठाकुर जैसे जैसे आगे बढ़े, हिमाचल की सियासत का पुराना ढर्रा टूटता बिखरता चला गया। 2007 वह निर्णायक मोड़ था जहां से राज्य की सियासत ने नई करवट ली। जयराम ठाकुर भाजपा के अध्यक्ष बने और भाजपा ने राज्य में पहली बार अपने बूते सरकार बनाई जो पूरे 5 साल चली। बचपन मुश्किलों में बीता जिसके अनुभव अब तक काम आ रहे हैं। मंडी जिले के छोटे से गांव में तांदी के जेठूराम और विक्रमो देवी ने अपनी बेटी जयराम को संवेदना के संस्कार दिए और सादगी व सहनशीलता के सबक। हमारा स्कूल में पढ़ता था जयराम जी, आटा इधर की आटे की थैली जैसे ले जाता था, घर जाता था, बड़े मुश्किल जाके पढ़ा रहा है जरा, बड़ा उस घर जाना। फिर दूसरी साल हमारे लालटेन होते थे पढ़ने के लिए, मोमबत्ती होती थी, उस साल से बेचारा पढ़ा। हमने नहीं सोचा आज जयराम मुख्यमंत्री हमारे बने। इसके बाद फिर चुनावी जीत तो मानो नियम सी बन गई। सिराज विधानसभा से लगातार 5 बार जीतने यह साबित किया कि कैसे पूरी विधानसभा को अपना परिवार बनाया जा सकता है। जमीन से जुड़ी राजनीति का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अनुभवों, जमीनी समझ और कर्मठता से लैस राजनीतिक सफर में कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद जयराम ने संगठन की जड़ों को मजबूत करने की धुन नहीं छोड़ी। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से संगठन में जयराम ठाकुर के समर्पण, भाजपा टीम की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की बदौलत 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल में भाजपा ने चारों सीटों पर विजय पताका फहराई। राज्य में भाजपा को देश में सबसे ज्यादा करीब 70% वोट मिले। यह पार्टी का राज्य में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जयराम ठाकुर यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रिय नहीं है। नीतियों के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन से उन्होंने मिसाल बनाई है। जयराम ठाकुर की कर्मठता, पारदर्शिता
और सादगी ने उन्हें 3 साल के भीतर राज्य का चेहरा बदल देने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया है। सिर्फ इरादे से कुछ नहीं होता, सिर्फ इरादे से कुछ नहीं होता, अमल है शर्त, इरादे सभी के होते हैं।